जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा मन शंका मुक्त नहीं हो जाता। मैं चाहता हूं कि तुम एक दिन शिरडी में बिताओ, थोड़ा समय यहां बिताओगे तो हो सकता है तुम्हारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। मैं यहां रुकने नहीं आया हूं, मैं तो ये जानना चाहता था कि आखिर क्या जरूरी काम है जिसके लिए आप मुझे बार बार संदेश भिजवा रहे हैं। वैसे भी अहमदनगर में बहुत जरूरी काम छोड़कर आया हूं मैं। एक दिन यहां रुकोगे तो द्वारका की शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं आ जाएगी। आप द्वारका के बारे में कैसे जानते हैं? मेरे लिए ना सही, अपने लिए रुक जाओ, सिर्फ एक दिन के लिए। ये भले ही तुम्हें अब समझ में ना आए लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी है। आहो, रुक जाते हैं ना। मेरा मन कहता है यहां रुकने में ही हमारी भलाई है। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरी श्रद्धा के लिए तो रुक जाइए। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। नाना, एक पल तो बीज की तरह होता है, मानो तो कुछ नहीं लेकिन सोचो तो एक पूरे वृक्ष को जीवन देने की क्षमता होती है उस बीज में। वृक्ष जो फल देता है, छांव देता है, नाना, मैं तो केवल एक दिन के लिए कह रहा हूं। एक दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे? हो सकता है शिरडी में रहते हुए तुम्हारे हाथों किसी मां का उद्धार हो जाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। गोविंदा, मैंने तुमसे कुछ लाने के लिए कहा था। ये लीजिए साईं। कपड़ों की चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैंने कर ली है। तुम दोनों के लिए कुछ नए कपड़े सिलवाए हैं मैंने। ले लो। तुम्हारे रहने की व्यवस्था साठेवाड़ा में कर दी है। उद्धव, इन्हें वहां ले जाओ। जी साईं। आइए। Thank you.
गई? अब कैसा है सरदर्द? ठीक है, लेकिन थकान अभी भी है। मैं कपूर के तेल से तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूंगी, सब थकान निकल जाएगी। नहीं माँ जी, आप खुद सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी। माँ की ममता भी कभी थक हार के बैठती है। मैं, तुम सो जाओ, मैं तेल लेकर आती हूँ। अज्जी, आई को तेल मैं लगा दूंगी, आप आराम करिए। ठीक है। आपके आने से पहले हम सब एक छत के नीचे होकर भी परिवार की तरह नहीं रह पाए थे, लेकिन आप आई तो माँ की ममता भी मिली और बेटी का प्यार भी लौटने लगा है। अब लगता है कि हाँ, परिवार है। ये सच है, अज्जी के आने से हम सब खुश हैं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे अज्जी हमेशा हमारे साथ रह सके। चलती हूँ साईं, बाजी के सोने का समय हो गया है। बिना मुझसे कहानी सुने सोता ही नहीं है वो। बाईजामा, बच्चों के विकास के लिए कहानियां जरूरी हैं। अच्छी कहानियां बच्चों को बेहतर इंसान बनाती हैं, लेकिन बड़ों का दायित्व है कि कहानी में छुपी जो सीख है उसे स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने रखें, उन्हें समझाएं, ताकि बच्चे कहानी का भाव, उनका अर्थ समझने में कोई भूल ना कर बैठे। बेला, 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 क्या हुआ बेटी? माँ जी, बेला घर में नहीं है। क्या?
आधी रात को अकेली कहाँ जा रही हो बेटी? संजीवनी लाने, जंगल से। संजीवनी? किस लिए? बाबा से कुछ मत कहना, हाँ? बाबा से कुछ मत कहना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। वो नहीं बता सकती। इरादे नेक हूं तो संजीवनी घर पर ही मिल जाती है, उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आजी को ठीक करना चाहती हो ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए बेटी, इस तरह रात को अकेले बाहर निकलना, वो भी बिना किसी को बताए, अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे आई बाबा जाग गए तो वो कितने परेशान होंगे, और तुम्हारी आजी, वो भी तो परेशान होंगी। तुम्हें संजीवनी चाहिए ना? मैं ला कर दूंगा बहुत जल्द, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। चलो। बेला! 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 हाजी, कहीं देखी बेला? नहीं, पूरा गांव ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं दिखी। कहाँ चली गई होगी वो? मुझे तो लगा था कि सब ठीक हो रहा है, पर ऐसा क्या हो गया कि वो मिलेगी? तुम चिंता मत करो। वो कौन है? आप बेला को लेकर घर जाइए। बेला ने जो किया है उसे उसका एहसास है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों भी उसे माफ कर देना। ठीक है साईं। हम सब कितना डर गए थे। इतनी रात संजीवनी लाने आपके लिए। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। कुछ नहीं होगा आपको, साई ने कहा है ना, वो आपके लिए संजीवनी लाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगी। मुझे आदत ही नहीं रही बेटी कि कोई मेरे बारे में इतना सोचे, इतना करे। दीन ताना 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 दीन ताना
क्या बात है बेटा, बहुत खोए हुए लग रहे हो, किस बात की चिंता है? उस बड़े व्यापारी ने कहा है कि वो मसाला खरीदने आएगा, तो वो जरूर आएगा। माँ जी, वो तो आ जाएगा, लेकिन क्या उसे हमारे मसाले पसंद आएंगे? अरे अचानक ये संदेह क्यों? आज तक हम कभी इतनी भारी मात्रा में मसाले नहीं बेच पाए। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को हमारे बनाए मसालों में वो स्वाद नहीं आता। अगर आज इन्होंने भी हमारे मसाले नापसंद कर दिए तो? मैं अभी आई। ये देखो, इस मसाले में ये मिलाना होगा। घबराओ मत, मेरा विश्वास करो। अज्जी, मैं भी मदद करूं? नहीं, पता चला मदद करने के बदले काम और बढ़ा दिया। तुम रहने दो। बच्ची का मन है तो मदद करने दो ना। आखिर ऐसे ही बच्चे अपने आई बाबा को देखकर ही तो सीखते हैं। ठीक, करो मदद। इस तरीके से मसाले बनाने का कभी सोचा ही नहीं था। ये तो हमारे मसालों की काया पलट हो गई। घरेलू नुस्खे है और कुछ नहीं, इतने सालों के अनुभव का नतीजा है ये। ये बड़ों का अनुभव ही तो हमारे जीवन में नहीं था। आपने आकर वो कमी भी पूरी कर दी। लगता है वो व्यापारी आ गए। ठीक है, तुम उन्हें बाहर बिठाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। काका, साई लिंडी बाग से अब तक वापस नहीं आए? आते होंगे। मैं उनके थाली पीट लाई हूँ, यहाँ रख देती हूँ, आप भी खाइएगा। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? साई ने कुमकुम से गुठल अलग करने के लिए कहा है। काका, एक एक गुठल कब तक निकालेंगे?
छन्नी से छान लीजिए ना। छन्नी? हाँ, इससे आपका समय बचेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसमें क्या है, अभी कर लीजिए। ये लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। शुक्रिया रंभा। मैं चलती हूँ। रखा श्यामा, ये क्या कर रहे हो तुम? गुट्ठल अलग कर रहा हूँ साईं। ये गुट्ठल भी तो कुमकुम का ही हिस्सा है श्यामा। ये गुट्ठल की मात्रा ही तो कुमकुम को संपूर्ण बनाती है। अगर इन्हें अलग कर दिया तो कुमकुम का मूल रूप बदल जाएगा। इन गुट्ठल को एक एक करके तोड़ो और बारीक करो। जी समझ गया साईं। वो छन्नी मुझे दे दो। श्यामा, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूं। जी साईं। पानी लीजिए। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। माँ जी, इनके लिए कुछ नाश्ता ले आइएगा। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? सकाराम यहां तक पहुंच गया, मेरी रक्षा करिए। आप शायद अपने पिता पर गए हों। आपकी शक्ल आपकी माँ से नहीं मिलती है। दरअसल ये मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन माँ समान है। अभी कुछ ही दिन हुए मिले, लेकिन अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। यानी इन लोगों ने तरस खाकर सरस्वती काकी को रखा है। अच्छा है, इन्हें सच बताऊंगा तो ये उन्हें आसानी से निकाल बाहर कर देंगे।
ये खाना पीना बाद में माने की, पहले कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। हम नया व्यापार शुरू कर रहे हैं। कोई भी नया संबंध जब बनता है तो विश्वास और सच पर बनता है, इसलिए कुछ चीजें साफ होनी बहुत जरूरी है। जी कहिए। एक सच है जिसे आप अभी तक अनजान हैं, वही सच आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है। कैसा सच सकाराम जी? मानिक जी, आपकी ये जानते हुए कि मैं यानी ने नुकसान पहुंचाने आया हूं, ये मेरे लिए इतनी परेशान है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।